So a very good morning students. Today we are starting, this is the first chapter of a gold, rainbow book. As first chapter is deducted, it has been erased from your syllabus this year. We are doing lesson 2. The name of the chapter is a room 10x8. From the name itself we come to know that this chapter has to do something with a room. So both of you said this, right, that I face you. सो दिस चैप्टर एक्चुअली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक बहुत अच्छा चैप्टर. और वो होता है ना जैसी करनी वैसी भरनी टाइप, कि हम अगर हम किसी के साथ के लिए बुरा सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वैसा हमारे साथ होता ही होता है. ऐसा इस चैप्टर के अंदर आया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम रीडिंग द चैप्टर एंड आई एक्सप्लेनिंग टू यू. दिस रूम माइट बी 10x8, सेड मिसेस मलिक, पॉइंटिंग टू द स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम. इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन. इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिज़ाइन द हाउस. ठीक है, तो मिसेस मलिक एक टेबल के ऊपर उनका जो उनके नए मकान का जो डिज़ाइन है वो पड़ा है, और वो अपने आर्किटेक्ट को तीसरी बार कह रही हैं कि ये जो रूम है ये 10x8 का होना चाहिए. और ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड और आर्किटेक्ट ने उनकी उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उनको तीसरी बार कहनी पड़ रही है वो बात. द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ द ओन इन डेली. दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन समटाइम अगो. नाउ दैट दे वर पोस्ट बैक इन डेली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव अ हाउस बिल्ट. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वुड स्टे बैक इन डेली. Even if her husband was transferred to another station, she was sick of their postings. Every other year, they were moved to a new place. Now that the children were grown up, it was not desirable to shift from school to school. Mrs. Malik said, if he must, Mr. Malik could go all alone. She would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. तो जो मिस्टर एंड मिसेस मलिक है वो अपना मकान बना रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली के अंदर. अब ऑफकोर्स मिस्टर मलिक, जिस हमें पढ़ के पता चल रहा है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में, और उनकी जो ट्रांसफरेबल जॉब है वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो बेसिकली दिल्ली के हैं. और उन्होंने पहले कभी प्लॉट खरीदा था और अब वापस उनकी पोस्टिंग बाई चांस दिल्ली हुई थी, तो उनको लगा कि जब हम वापस दिल्ली आ रहे हैं तो हमें इस टाइम पर अपना जो मकान है वो बनवा लेना चाहिए था. और मिसेस मलिक ने कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ये बात बिठा ली थी कि अब जहाँ पे भी उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हुई वो अकेले ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमेशा उनके स्कूल चेंज करना सही नहीं है. तो अपने बच्चों के साथ और अपनी उनकी मदर इन लॉ एक सास के साथ वो यहीं पर ही रहेंगे. और मिस्टर मलिक को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, ही वॉज़ रेडी फॉर इट. This room might be 10x8, Mrs. Malik repeated. Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room. अब मिसेस मलिक फिर बोल रहे हैं कि ये जो रूम है 10x8 का है, और उनके जो हस्बैंड है मिस्टर मलिक वो क्या कर रहे हैं, वो पास वाले रूम के अंदर किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं. बट दिस इज़ अ स्टोर रूम, सेट द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक. येस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज एज अ स्टोर रूम. अब वो जो आर्किटेक्ट है ऑफकोर्स वो कह रहा है कि ये तो एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम बड़ा करने का क्या मतलब हुआ है ना, आंगन छोटा हो जाएगा. तो मिसेस मलिक बोल रहे हैं कि नहीं, अभी मेरी मदर इन लॉ जब तक जिंदा है तो हम इसको उनके रूम के लिए तरह यूज़ कर देंगे, और जब कभी उनकी डेथ हो जाएगी तब हम इसको स्टोर रूम बना लेंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा ही रखो. द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ही लुक पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन. अब आर्किटेक्ट को आपको समझ, मतलब शी इज़ वॉन्टिंग की जो मदर इन लॉ उनकी डेथ हो और फिर वो उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लें, ऐसे मतलब उसको अच्छे को समझ में नहीं आया. फिर वो समझा रही हैं, आई मीन माई मदर इन लॉ कुड्स यूज़ दिस रूम फॉर द प्रेजेंट, एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म, शी इज़न गोइंग टू बी देयर फॉर, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इन टू स्टोर रूम, मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली. अब मिसेस मलिक को भी क्या लगा कि उन्होंने कुछ किया, तो वो बोले कि आपको पता है मेरी मदर इन लॉ की उम्र हो चुकी है और ऑफकोर्स अब वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, तो जब उनके डेथ के बाद में हम इसको स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लेंगे, तब तक ये उनका रूम बनेगा. मिस्टर मलिक जॉइंड देम. इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन. ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर. इट वॉज ऑलवेज बेटर टू हैव कमोडिटी स्टोर रूम सो दैट कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, देन इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइटी. हाँ, मिस्टर मलिक पास वाले रूम से ऑफकोर्स उनकी बातें सुन रहे थे. अब ऑफकोर्स उनका ऐसा व्यू नहीं था कि मेरी माँ जितना दिन रहेगी तब तक वो, उनका ऐसा व्यू था कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ताकि जो ट्रंक्स वगैरह होते हैं हम स्टोर रूम में रखते हैं उनको इजीली मूव किया जा सके, स्टोर रूम की साफ़ सफाई अच्छे से होती रहे.
It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10x8. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. Finally, उन्होंने decide किया कि जो store में वो बड़ा होगा, जो उनका आंगन है वो उससे थोड़ा छोटा हो रहा था, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction for the house. उन्होंने पूरा प्लान कर दिया. उसके बाद में NOC के लिए है ना, जो भी नगर पालिका नगर परिषद होते हैं, हम वहाँ पर अपना प्लान भेजते हैं, वहाँ भेजा गया. और जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो मिसेज मलिक ने एकदम पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने मकान की उन्होंने वो तैयार देखा वहाँ पर. The house she would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. She supervised every detail. At times she would give a hand to the masons and others. She was the first to arrive at the construction and site and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. Before long the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. She would not let the old furniture enter new house, not a piece of it. अब जब तक उस घर का कंस्ट्रक्शन चला, मिसेज मलिक ने एकदम बाकायदा वहाँ पर खड़े रह के अपनी ड्यूटी दी. कभी वो मिस्त्रियों का हाथ बढ़ा देती थी, उनका हमेशा ध्यान रहता था कि कोई भी कुछ वेस्ट ना करे, कोई भी मिस्त्री जो वो टाइम पास करके ना चला जाए, कोई भी सामान कुछ भी इधर उधर ना कर दे. वो सबसे पहले वहाँ पर आती थी और सबसे बाद में वहाँ पर जाती थी. और धीरे धीरे जो उनका मकान है वो कम्प्लीट हो गया, बन गया. और मिसेस मलिक की एक और फैंटेसी थी कि हम पुराना फर्नीचर नए घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, जो नया घर है उसके लिए एकदम नया फर्नीचर ही लेंगे. They were still in the midst of the plans to shift when they learned that the house had been acquired by government. Mrs. Malik was furious, but the next moment when Mr. Malik mentioned the rent excess, she cautioned, she quieted down. अब क्या होता है, कई बार कुछ अपार्टमेंट्स होता है ना, उनको हम गवर्नमेंट को दे देते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह तो उन पर रहते हैं, बहुत अच्छा वो रेंट देते हैं और उसके अंदर कोई वो भी आराम से वो अपना रेंट देते रहते हैं. तो जब मिस्टर मलिक ने कहा कि गवर्नमेंट को हमारा घर जो पसंद आ रहा है रेंट उसके लिए, तो मिसेज मलिक को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने रेंट सुना, किराया अच्छा आ रहा होगा, तो वो चुप हो गए, शांत हो गए. While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. She thought of various plans of doing up the house. Everything had gone to be forgotten. अब जब वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस टाइम उन्होंने आस पड़ोसी उनसे बातचीत करी थी, फ्रेंड्स बना लिए थे, बहुत सारे सपने देख लिए थे, लेकिन अब एक बार के लिए उनको उन सपनों को भूलना पड़ा. Then they were transferred from Delhi. Mrs. Malik was happy. She would no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent, feeling consoled. Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term for posting in Delhi. In the meanwhile, Mrs. Malik's mother-in-law passed away. Their daughter had been married. In a way, they were lucky that the house had been rented to the government. Private tenants are such a headache. There was no end to their complaints and demands. ठीक है, अब जो है उनकी ट्रांसफ़र हो गई और मिसेस मलिक कहीं ना कहीं खुश थी कि अब बार बार वो घर देखते हैं तो मन चलता है अब दूसरे शहर में रहेंगे. और उसके बाद में उनको बहुत वेट करना पड़ा वापस उनकी जो टर्न है दिल्ली आने के लिए. उनको अलग अलग शहरों में उनको पोस्टिंग मिलती रही. समय बीतता गया, उनकी जो सास थी उनकी डेथ हो गई, बेटे की अब शादी हो चुकी थी, और वो कहीं ना कहीं खुश थे कि गवर्नमेंट ने हमारे घर को रेंट पे ले रखा है. नहीं तो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं ना, तो आज लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, पेंट करवाओ, वो सब चलता रहता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं फेस करनी पड़ रही थी. And then, of more often not regular in payment for rent, Mrs. Malik's house having been re-cautioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. और rent की भी कोई problem नहीं थी, हर महीने उनके bank account के अंदर जो पैसा है वो आ रहा था. Only the son remained to be married. Now Mr. Malik thought that they would rather be done with before he retired. The son had been married. Mr. Malik had retired from service, but the house had not yet been released by the government. Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house. अब बेटे की शादी करनी बाकी थी और मिस्टर मलिक चाहते थे कि मैं अपने रिटायरमेंट से पहले पहले बेटे की भी शादी कर दूँ, और उन्होंने ऐसे ही करा. अब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, लेकिन जो घर है वो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में ही था, है ना, गवर्नमेंट ने अभी उसको छोड़ा नहीं था. और वो अपने बेटे बहू के साथ एक रेंटेड घर के अंदर रहते थे, और मिस्टर मलिक की जो रिटायरमेंट है वो भी रिटायर भी हो गए. Mr. Malik is still fighting with the government for the release of the house. When his end came, he passed away without being able to live in his house for a day. ठीक है, मिस्टर मलिक उन्होंने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अब उनको उनका घर चाहिए था, फैमिली बढ़ चुकी थी. और जिस दिन वो केस, मतलब वो केस तो जीत गए, लेकिन मिस्टर मलिक की डेथ हो गई, मतलब वो अपने बनाए हुए घर के अंदर एक दिन भी रह नहीं सके, ही एक्सपायर्ड, ही पास्ट. नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज री क्वेश्चन्ड. मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस. अब 3 महीने बाद उनको उनका जो एक्विजिशन था वो मिल गया था, और
अब कौन ज़्यादा एक्साइटेड था, उनकी बहू ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो अपने घर में जा रही है। मिसेस मलिक का सारा चार्म जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था, जा चुका था। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजिशन ऑफ द हाउस शी इट हैड बीन पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। ठीक है, जैसे उनको पोजेशन मिला उन्होंने है ना घर में पॉलिशिंग शिफ्टिंग विफ्टिंग स्टार्ट कर दी, नए फर्नीचर वाले को बुलाया, सारा सेटअप किया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, द डाउनपोर वॉज रादर हैवी। दे वेटेड एंड देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। अब उनको मंडे को शिफ्ट करना था, लेकिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उन्होंने बहुत वेट किया लेकिन बारिश नहीं रुकी, और इतने में उनके बेटे का ऑफिस का टाइम हो गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो शाम को शिफ्ट करेंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो। मंडे बींग एन ऑस्पिशियस डे मिसेज मलिक वॉन्टेड टू शिफ्ट इफ दे कुड। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली। दे सेंड फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड अ फॉर्मल मूव, द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। अब शाम को भी जो बारिश है वो नहीं रुकी, वो उसी रफ्तार से हो रही थी, लेकिन मिसेज मलिक चाहती थी, क्योंकि मंडे एक अच्छा वार होता है, कि जो शिफ्टिंग है वो मंडे को ही हो। तो उनके बेटे ने अपनी माँ की बात की लाज रखते हुए उसने डिसाइड किया कि वो शिफ्टिंग मंडे को ही करेंगे, और उन्होंने टैक्सी बुला ली, एक उनकी खुद की कार थी, कि एक फॉर्मल मूव है ना, बाकी सामान बाद में शिफ्ट करते रहेंगे, एक बार वो क्योंकि उनकी माँ चाहते हैं मंडे को जाएँ तो मंडे को जाएंगे। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। ठीक है, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मिसेज मलिक पीछे की सीट पर बैठी थी और वो अपने ख्यालों के अंदर खोई हुई थी, वो उनको पुरानी बातें याद आ रही थी कि है ना कैसे उन्होंने। What pains she had taken while the house was under construction, the days when she missed her meals, the days she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, the days she was drenched in rain, the architect had prepared a sketch of the house in the color and the way it would look when completed. It had a figure of a lady of the house standing on the veranda in her black towards the marble pillar, elegant and graceful, an image of contentment clad in the maroon sari. Mrs. Malik felt that the architect has painted her, but she never wore a maroon colored sari. The figure in the sketch, however, was as tall as Mrs. Malik, reclining against the pillar. She stood in the way Mrs. Malik used to stand. Mrs. Malik saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time. She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime. अब क्या है, उसको वो पुरानी बातें याद आ रही थी, किस तरह वो तेज़ धूप में बरसती बारिश के अंदर वो वहाँ पे रहती थी और उन्होंने कितनी तकलीफ़ सही थी जब वो मकान बन रहा था। और फिर उनको याद आता है कि आर्किटेक्ट होता है ना, जब हम एक प्लान करते हैं तो वो हमको एक तैयार कैसा रहेगा हमारा मकान उसकी एक फ़ोटो देता है। तो उस फोटो के अंदर उसने क्या, एक जो उनका मार्बल पिलर था उस पर एक लेडी की फ़ोटो बनाई थी। ऑफकोर्स मिसेस मलिक को हमेशा लगता था कि उन्हीं की फ़ोटो है, और वो जो लेडी थी उसने क्या करा था, मेहरून कलर की साड़ी पहन और वो उस पिलर के पास खड़ी थी, हाइट उसकी थी। और मिसेस मलिक को हमेशा कर लगता था कि मैं कभी भी मेहरून साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसने मेहरून साड़ी क्यों बनाई है। और बहुत बार वो मिरर में जाके अपने आप को वहाँ इमेजिन करती थी, और उनको हमेशा लगता था आर्किटेक्ट ने उनको पिक्चराइज करा है वहाँ पे। और बहुत बार उनका मन होता था कि वो फ़ोटो अपनी बहू को दिखाएंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाए, वो नहीं देख पाई। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद द हस्बैंड मूविंग द रियर ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर। सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स वेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स एंड हाउ द गर्ल टॉक, शी वॉज जाबरिंग इंस्टेंटली, वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश। अब वो अपनी बेटी उनके बहू की तरफ उनका ध्यान जाता है, जो विंडो उस ग्लास को अपनी तरफ करके और वापस लिपस्टिक लगाती है। तो मिसेस मलिक को मन मन में होता है कि लिपस्टिक लगाने की कहाँ जरूरत है, हम कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं, अपने घर पे तो जा रहे हैं, खाना खा के सोना ही तो है, लिपस्टिक लगाने की कहाँ जरूरत है। फिर उनको और गुस्सा आ रहा है कि कैसी लड़कियाँ होती हैं आजकल की, तब से बोले जा रही है और इसको अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बात करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, हिंदी में तो बोल सकती है। तो उनको थोड़ा सा ऐसे वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है वहाँ पर। Mrs. Malik had not picked up English. She had failed in this only. She had accomplished everything else in life. She learned ballroom dancing. वो कह रहे हैं मिसेस मलिक बस एक इंग्लिश बोलना रह गया उनका, बाकी उन्होंने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ वो कर सकती थी, यहाँ तक कि उन्होंने बॉल डांस भी सीख लिया था। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that may the figure painted by the architect was of the daughter-in-law. How could that be? She was nowhere on the scene when the plan of the house was prepared, but then she was wearing a maroon colored sari. That figure in the sketch had, it was a maroon color. Mrs. Malik never liked maroon color, it was too loud for her taste. It was the girls like her daughter in law
हु वर फॉन्ड ऑफ मेरून कलर। अब मिसेस मलिक बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आर्किटेक्ट ने कहीं उनकी बहू का स्केच नहीं बनाया था, लेकिन बहू का स्केच कैसे बना सकता है जब उनका मकान की कंस्ट्रक्शन हुई थी उस टाइम तो बहू का कहीं नामो निशानी नहीं था, लेकिन उसने मेहरून कलर की साड़ी क्यों पहनाई, क्योंकि उनको तो मेहरून पसंद ही नहीं था और मेहरून उनकी बहू को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये सब ख्याल उनके दिमाग के अंदर जो आने लग गए थे। शी कैन वेयर मेहरून श्योरली, सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज इन सन एंड इन रेन। आई स्टूड इन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। Many a time I helped the masons with mortar and bricks. Many a times I hauled the rubber pipe and sprayed water on the plastered walls. अब वो कह रहे हैं कि हाँ मेहरून साड़ी तो यही पहन सकते हैं, और फिर वो मन ही मन सोच रहे काश ये उतनी मेहनत भी कर सकती जितनी मैंने की थी। मैंने किस तरह से मजदूरों की हेल्प करी थी, बारिश में खड़ी रही थी, मैंने पाइप से कई बार उसको जो है ना बोलते हैं तराई करना, उसकी तराई भी मैंने बहुत बार करी है। Standing on the veranda close to the pillar trying to cover her elaborate hairdo with a maroon colored sari, her daughter-in-law was giving they reached the house. His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out the car. There stood the reclining against the marble pillar in the veranda exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt wrench in her heart. Maybe the architect had mocked at her. वो जैसे घर पहुँचे उसने सीधा गाड़ी जो है आमा ले गया उस जाम पार्क करने हुई गाड़ी, और जो बहू है वो फटाफट नीचे उतर गई और वो उस मार्बल पिलर के पास जाके वैसे ही खड़ी हो गई जैसे कि उस आर्किटेक्ट ने ड्रॉ करा था। और मिसेस मलिक को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये क्या वो उस वक्त मेरी हंसी उड़ा रहा था कहीं ना कहीं, और उसको बहुत बुरा फील हो रहा है। Standing on the veranda close to the pillar trying to cover her elaborate hairdo, she was with a maroon color sari. The daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car. और वो वहाँ खड़े होकर अपने servants को instructions दे रही थी कि कहाँ सामान रखना है, कैसे सामान रखना है जो टैक्सी से भी आ रहा है। The luggage had been removed to the taxi. The taxi driver drove after having been paid. Mrs. Malik was still sitting in the back seat of a car. She had been strange sinking sensation. अब जो लगेज है टैक्सी से निकाल लिया था और मिसेज मलिक अभी भी गाड़ी में ही बैठी थी और उनको बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, वो अभी भी गाड़ी से नहीं उतरी थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन। एवरी रूम वॉज लिट अप। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइट स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। ठीक है, और हमेशा क्या होता है कि उनके लिए दरवाज़ा खोला जाता था, लेकिन आज नए घर के एक्साइटमेंट के अंदर शायद वो गेट खोलना भूल गए थे और सबने जाके लाइट वाइट ऑन कर दी, और मिसेस मलिक जो है पीछे बैठे बैठे ये सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था। ऑफकोर्स सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार। और सडनली अचानक उसके बेटे को याद आई, वो भाग के गया और उसने माँ को उतार के लाया। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर। Her daughter-in-law also came out. Everyone was laughing. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar in the veranda again. She was trying to cover her hairdo with a maroon-colored sari. अब जो माँ है वो ही कहीं ना कहीं होती है ना, अब ऑफकोर्स वो जगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि तुम्हें पता है मुझे शाम की ड्राइव में मुझे नींद आने लग जाती है, तो शायद मुझे नींद आ गई होगी और सबको हंसी आने लग जाती है, सब हंसने लग जाते हैं। और जो बहू है वो वापस वहीं पर उस पिलर के पास आके खड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं अपने सिर को पल्ले से ढकने की कोशिश कर रही होती है मेहरून कलर की साड़ी में। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट साइड मिसेज मलिक। आई वुड लाइक टू स्लीप, द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल। अब नौकरों ने खाना लगा दिया था, वो बोल रहे कि मुझे भूख नहीं है, मैं बस सोना ही चाहती। Then you better retire to your room, said the daughter-in-law pointing to the room 10 by 8. और उसकी बहू कह रही है कि ठीक है तो आप अपने रूम में जाके सो जाइए, और वो किस रूम की तरफ इशारा कर रही है, द रूम 10 by 8। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट होल्डिंग अ हैंड, शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी। और बेटा जो है माँ को पकड़ कर उस रूम की तरफ ले जा रहा है और मिसेज मलिक को बहुत बुरा फील हो रहा था। मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन, बट what was wrong with it? Her husband had already gone. She would follow him one day. She must do it. अब मिसेस मलिक को एक बार कैसे लगा मैं इस रूम में क्यों जाऊँ, फिर उन्होंने सोचा मेरे पति जा चुके हैं और एक दिन मुझे भी जाना ही है, और वो चली गई। I thought I could be my mother-in-law's room and after her it might be converted into a storeroom. These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. और उनको बार बार वो शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने उस आर्किटेक्ट से कहे थे कि अभी ये मेरी मदर इन लॉ के लिए हम यूज़ करेंगे और बाद में मैं इसको हम स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लेंगे। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ इन द कमेंट, द हाउस इज अदरवाइज एवरी वेल प्लान्ड, इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, इट वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर। और फिर उनको अपनी बहू की आवाज़ आ रही है जो ऐसा बोल रही है कि घर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर एक स्टोर रूम की कमी है, ऐसे घर के अंदर एक बड़ा सा स्टोर रूम भी होना चाहिए था।
मिसेस मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डिप इन टू अ बॉटमलेस वेल। और ये सुनने के बाद मिसेस मलिक को ऐसा लग रहा था कि वो एक गहरे कुएं के अंदर जो है धंसती जा रही है, धंसती जा रही है। तो उन्हें अपने अपनी मदर इन लॉ के लिए थोड़ा सा बुरा सोचा था, तो अल्टीमेटली वो उन्हीं के साथ ऐसा हुआ। सो दिस इज़ अ वेरी हार्ट टचिंग। और आज की जो रियलिटी, आज की जो सच्चाई है वो यही है ना। ऑफकोर्स जो बेटे बहू होते हैं इंस्पाइट, वो ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे हमसे ही सीख रहे हैं, हमको ही देख रहे हैं, है ना। दे ट्राइड, दे डिसरिस्पेक्ट एवरी वन। और जब उन पर आती है दैट टाइम दे रियलाइज, और टिल द टाइम दे रियलाइज तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो अबाउट द लेसन, कि यस, दुग्गल इज़ अ रिनाउंड इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वल ईज। ही इज़ अ वर्सटाइल एंड प्रोलिफिक एज एन ऑथर। हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल। ही हैज स्पेंड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, 10 नॉवल्स, 50 शॉर्ट प्लेस, 7 प्लेस बिसाइड सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। ही इज रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टीजियस अवार्ड्स एंड हैज ऑल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण। हिज लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप विच इज इमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट टू अ सोशल फैब्रिक। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लिकेसी, पोजिसिवनेस, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप। The writer voices his grave concern over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society. It is a thought-provoking story written in a satirical way. So I hope all of you have understood this chapter. If you have any problem, you can always ask. Have a good day, all of you.